हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्टिमिस्टिक। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आज की इस वीडियो से मैं अपनी ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं कैसे हम स्पेशल इफेक्ट्स बना सकते हैं ब्लेंडर में वो सिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम बनाएंगे टीयर इफेक्ट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और जैसा मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एड ऑन है वो ऑन कर लेते हैं। आप एडिट पर जाइए, प्रेफरेंसेज, और एड ऑन में आप सर्च करिए नॉड NODE, यहाँ पे नॉड रेंगलर नाम का एड ऑन होगा, वो ऑन कर लीजिए। हम टीयर इफेक्ट बना रहे हैं तो हम मंकी वाला ले लेते हैं, इसका नाम सुजैन है जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। वैसे ये कुछ ज़्यादा लो पॉली है तो इसको हम पहले सब डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप मॉडिफायर में जाइए, ऐड मॉडिफायर में जनरेट सब डिवीज़न सरफेस, इसकी वैल्यू उठा दीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो ये स्मूथ हो जाएगा और इस पे आप हम अपना इफेक्ट बनाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे ऊपर शेडिंग टैब पे चले जाएंगे। अभी ब्लेंडर का ऑब्जेक्ट है तो ये ऑलरेडी अनरैप आता है तो हमें इसे अनरैप करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आपका खुद का करेक्टर है तो उसे अनरैप करके ही आप उस पर इफेक्ट बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक मटेरियल नोड आ जाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पे 2K का टेक्सचर ले लेते हैं, तो यहाँ पे इनटू में 2 करेंगे, यहाँ पे 32 बिट को टिक कर देंगे और क्रिएट न्यू इमेज। ये ऑलरेडी ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ब्लैक है। अब इसको इस मैप को सिलेक्ट करके आप जाएंगे टेक्सचर पेंट मोड में, यहाँ पे टेक्सचर पेंट मोड है, यहाँ जाएंगे, जैसे कि क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आप इमेज सेव एज और फाइल को सेव कर लीजिए। सेव। अब आप शेव एडिंग मोड में आ जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गया है, एक है ग्रेडियंट और एक है वेव, वेव लेंथ नहीं वेव टेक्सचर। इनको भी कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी कैसा ये नोट दिख रहा है, क्या इफेक्ट ये डाल रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में। अगर हमें सिंगल ये देखना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा। इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक तरीके की वेव फॉर्म दिखा रहा है हमें, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें टेक्स्चर दिखा रहा है। बाकी शेडिंग के साथ देखना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी इसकी एक्स वाई जी इन्होंने दे रखी है वो ऑब्जेक्ट की ही एक्स वाई जी हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट की जगह लोकल है तो इसका जो अपर डायरेक्शन है जी है ब्लू कलर की, यहाँ पे दिख जाएगा जी ब्लू कलर का है। ये एक्स एक्सिस है और जो पीछे से आ रही है वह वाई एक्सिस है। तो अभी आंसू ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें इसको जी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। जैसे कि एक हम एक कलर रैम्प और लेते हैं, इस कलर रैम्प ये एक सॉफ्ट और हार्ड करने के लिए है कि हमें इफेक्ट कितना सॉफ्ट चाहिए और कितना हार्ड चाहिए, कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट हो जाए या स्मूथ ग्रेडियंट की तरह नॉर्मल डिजॉल्व हो जाए। अब हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, शार्प चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे जाके कॉन्स्टेंट क्लिक कर देंगे तो शार्प तो आ गया, पर ये डिफरेंट एंगल में है तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा वाई में 90 डिग्री। इसको हम इसको मूव करेंगे तो ये इसी एंगल में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिसमें हमें चाहिए। ऐसे ही एक और हम कलर रैंप लेंगे, इसको इससे कनेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, इसे इनके बीच का ये भी शार्प हो रहा है।
अब हमें इसको भी 90 डिग्री में रोटेट करना है और थोड़ा स्केल कम करते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, जैसे सिन की जगह शॉकर। इससे क्या होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तरफ से तो शार्प रहेगा और एक तरीके से ये डिजॉल्व होता रहेगा ग्रेडियंट की तरह। इसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा ऊपर की तरफ शार्प कर रहा है। या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं, हाँ तो हम यहाँ पे वाई वाले को अगर यहाँ पे करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कितने टाइमिंग के बाद दूसरा आई एक तरह से टीयर ड्रॉप आए उसके हिसाब से स्केलिंग करनी है। जैसे कि एक पूरा चला जाने के बाद दूसरा आए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो उसके हिसाब से मैंने ये कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है इसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए दोनों में ही। अब एक बार मूव करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा जाने के बाद ही दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो आई ड्रॉप बार बार आएंगे उसके लिए, और ये होगा हमारा जो एक बार पहला ड्रॉप आएगा उसके बाद जो रफनेस हमारी शाइनी हो जाएगी उसके लिए, एक बार के लिए आएगा और पूरा शाइन हो जाएगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये दोबारा वाइट ही रहेगा जिससे हमें वो रफनेस लगातार हमारे पास रहेगी, पर ये बार बार आएंगे जिससे वो आई ड्रॉप वाला इफेक्ट आएगा। अब हमें मिक्स करना है इन सबको एक तरीके। अब हमें ये इफ़ेक्ट तो चाहिए, पर हमें ये इफ़ेक्ट खाली इस जो हमने ये ड्रॉ किया है टीयर्स इसके अंदर ही चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा मिक्स नोट। आप वैसे भी मिक्स नोट ले सकते हैं, शिफ्ट ए दबा कर यहाँ पे सर्च करें, मिक्स कलर वाला आएगा, दो मिक्स आएंगे, मिक्स कलर लेना है आपको, इसमें आ जाएगा सेम ही सेम, सेम टू सेम, सारी सेटिंग सेम है। जैसे यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये फैक्टर बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अब ये इफेक्ट खाली उसी पे आ रहा है जिस पे हमने किया था। मैं इसका वैल्यू भी आपको बता देता हूँ एक बार कि मल्टीप्लाई करने से होता क्या है। तो आप जैसे कि ब्लैक की वैल्यू 0 मानिए और वाइट की वैल्यू 1 मानिए, कि अगर हम ब्लैक को 0 मानते हैं और वाइट को 1 मानते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे इसमें ये वाइट 1 वैल्यू है और ये 0 है, तो जब वाइट वाला पार्ट वाइट से मल्टीप्लाई होता है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाता है तो हमें वाइट मिल जाएगा। पर अगर ब्लैक वाला पार्ट ब्लैक से मल्टीप्लाई होगा या वाइट ब्लैक से होगा या ब्लैक वाइट से होगा, बल्कि अगर आप किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से कि हम वाइट अगर ब्लैक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ब्लैक मिलेगा, और अगर इसका उल्टा हो रहा है तब भी हमें ब्लैक ही मिलेगा। तो जहाँ वाइट वाइट मैच हो रहे हैं खाली वहीं पर ही हमें वो वाइट दिखेगा एक तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पे खाली टीयर के अंदर ही आ रहा है क्योंकि हमारा पेंट हमने वहीं पे वाइट किया है और हमने जो इफ़ेक्ट दिया है ये भी वाइट वहीं पे है, बाकी का जो ब्लैक है उससे मल्टीप्लाई होकर ब्लैक ही आ रहा है एक तरीके से। अभी हमें चाहिए रफनेस में, हमने इसको रफनेस में डाला। अभी ये रिवर्स आ रहा है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं आ रही है, तो हमें बस एक और नोट लेना है, शिफ्ट ए सर्च इनवर्ट, इन्वर्ट कलर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें ड्रैग एंड ड्रॉप और वो आ गया। इसी तरीके से अभी कर इसका कर लेंगे कि अब हमें ये टीयर इफेक्ट भी हमें उसी के अंदर ही चाहिए, तो हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट डी
लेफ्ट, ये कलर लेके फैक्टर में डालते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैं वो इफेक्ट मिल गया है। और अभी जाएगा हमारे नॉर्मल मैप में, शिफ्ट ए बम्प हाइट में, ध्यान रखिए यहाँ पे हाइट में जाना चाहिए, नॉर्मल में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको शो नहीं करेगा ढंग से। फिर नॉर्मल में लेट्स चेक, ये देखिए अब इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है तो हम यहाँ से कम कर लेते हैं स्ट्रेंथ इसकी इतने की बस। तो जैसे कि दोनों ही 90 डिग्री पे, अब हमें दोनों को साथ में ही एक्सप्रेशन के साथ प्ले करना है तो उसके लिए एक और हम शिफ्टी मैपिंग नोड ले लेते हैं और इस पे सारी वैल्यू हम डिफॉल्ट कर देते हैं 0 0। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इसको भी वेक्टर के साथ, यहाँ पे एक्स पे एक एक्सप्रेशन डालेंगे, मैं आपको साइड में दे दूंगा क्या एक्सप्रेशन डालना है। तो एक्सप्रेशन है हैशटैग फ्रेम पर ए एम ए इंटू 2। इससे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। देखिए बहुत फास्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिवाइड बाय 200, लेट्स सी अब क्या आ रहा है। हाँ अब ठीक है, अब स्लो आ रहा है और सही नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है। और देखते हैं क्या इफेक्ट है यहाँ पे। एक चीज और इसमें हो रही है, जैसे कि दोबारा प्ले हो रही है, जैसे देख रहे हैं कि रफनेस से पहले ही वो बम्प शो होना शुरू हो गया, तो वो एक बार ठीक कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, स्टॉप, कि अभी मैंने इसमें फैक्टर दे रखा है ये वाला, तो हमें यही चाहिए क्योंकि ये लिमिटेशन दे रहा है यहाँ पे कि इसमें वैल्यू है ना, जहाँ पे जहाँ तक रफनेस चाहिए वहीं तक आएगी, तो हम इससे क्या ही रिजल्ट इसके फैक्टर में डाल देंगे क्योंकि जब तक ये रफनेस पूरी नहीं आएगी तब तक वो शो नहीं करेगा बम्प। देखते हैं एक बार, तो इस एक्सप्रेशन से क्या हुआ कि ये फ्रेम हमने डाल दिया कि इतने फ्रेम में इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो ये पर फ्रेम वो वैल्यू इंक्रीज़ करता जाता है जिससे आपको हर बार वैल्यू की नहीं करनी पड़ेगी कि हमें पहले स्टार्टिंग में की करो फिर लास्ट में की करो, स्पीड चेक करो। आपने एक डिफ़ॉल्ट स्पीड हमने डाल दी कि हाँ इतनी स्पीड में हमें चाहिए, और बाकी ये रहा कि हमें इस टाइमिंग पे चाहिए वो एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे कि समझ लीजिए कि कोई टाइम लिमिट है और मुझे 100 फ्रेम में वो चाहिए, इस वाले फ्रेम से स्टार्ट होना चाहिए एक तरीके से, या फिर आई ड्रॉप है जो ड्रॉप है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये मैपिंग नोड लगा रखे हैं ये ऑफसेट करने के लिए है। जैसे कि अभी मैं इसको माइनस में वैल्यू ले जाऊँगा तो एक तरीके से अभी 100 फ्रेम में स्टार्ट होना चाहिए, मैंने 100 फ्रेम तक पीछे कर दिया। अब यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो 100 आएगा यहाँ पे
तो 100 से ही स्टार्ट हुआ है एक तरीके से। उसके बाद जितने भी फ्रेम है उसके हिसाब से आगे कर लेंगे। तो 100 से स्टार्ट होगा और उसके बाद ही आप मतलब ये तो टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए यहाँ से है, जिस फ्रेम से आपको स्टार्ट करना है आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अब उस फ्रेम में आइए और इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दीजिए, जब तक ये जितना भी विजिबिलिटी इसकी बिल्कुल कम कर दीजिए, और ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने छोड़ा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें, और आई विल डू माई बेस्ट टू क्रिएट दैट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।